The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So we are talking about a very important topic. Kya aapko apni haddiyan, apni bones ko check karna chahiye? Should you get a bone? भाई कई लोगों के मन में सवाल आएगा कि भाई साहब मुझे तो आज तक कोई फ्रैक्चर हुआ नहीं, मुझे तो आज तक कोई दर्द दिक्कत हुई नहीं, डू आई नीड अ बोन डेंसिटी टेस्ट? करना चाहिए नहीं करना चाहिए? भाई सिंपल सी चीज़ है कि नहीं, आई हैव नेवर हैड अ फ्रैक्चर, कोई बोन हेल्थ इशू, फिर भी क्या मुझे बोन डेंसिटी करने चाहिए? द आंसर इज येस, इट डिपेंड्स एट अ सर्टन एज. नाउ व्हाई? बिकॉज बोन डेंसिटी का जो जांच है, जो टेस्ट है, नंबर एक तो वो बहुत ही लो डोज एक्सरे इस्तेमाल करता है, क्विक टेस्ट है, नॉन इन्वेजिव है, कोई नुकसान नहीं है. ये मेजर करता है आपके बोन्स में द अमाउंट ऑफ कैल्शियम मिनरल्स, आपके बोन के एक सेगमेंट में कितना कैल्शियम, कितने मिनरल, कितने बोन से मिनरल्स है. बेसिकली डेंसिटी चेक करता है. ज्यादातर ये हिप्स पे, स्पाइन पे, ऐसी जगहों पे चेक किए जा सकते हैं बोन मिनरल डेंसिटी. वैसे कई सारी जगह छोटे वाले भी आते हैं, पेरिफेरल बोन मिनरल डेंसिटी, हमने बात करी थी टेस्ट के बारे में पहले भी एक वीडियो में. अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जरूर देख सकते हैं. और जहां तक बात है कि क्या आपको कराना चाहिए, तो ये जो टेस्ट है ये बताएगा आपका रिस्क किसका, ऑस्टियोपोरोसिस का, हड्डियां कमजोर होने का, फ्रैक्चर होने का. देखो ज्यादातर यंग लोगों में, हेल्दी लोगों में, उनको, यंग लोगों को जरूरत नहीं होती बोन मिनरल डेंसिटी, बट जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है आपका रिस्क बढ़ता जाता है ऑस्टियोपोरोसिस. सबको होना है, सबको होता है, और हड्डियां धीरे धीरे कमजोर होती हैं, हड्डियों में बोन मिनरल डेंसिटी कम होती है, हड्डियां खोखली होती जाती हैं, हड्डियां आपकी भरी है कैल्शियम से. जी हाँ, आपकी हड्डियां भरी हैं कैल्शियम से. बिल्कुल जैसे आप अपनी जायदाद बनाते हो उम्र के साथ साथ, वैसी आपकी हड्डियों में, देखो जायदाद तो बढ़ती जाती है ना, लेकिन को सोचो अगर आप मिलियनेयर हो, बिलियनेयर हो, राइट, एक मिलियनेयर बिलियनेयर, इतना पैसा, इतने पैसों में, इतने अकाउंट्स में, आज तो जो पैसा अपने जाके अकाउंट में चेक करते हो ना, कितना पैसा है इस अकाउंट में, कितना उस अकाउंट में, कितना, तीन अकाउंट होंगे, ज्यादा ज्यादा दो, किसी एक होंगे, किसी के पांच होंगे. मिलियनेयर बिलियनेयर के इतने अकाउंट, इतने देश में, इतने घर, इतने अकाउंट, इतने स्टेट, मतलब कहीं कोई कहां किस जगह घाटा हो रहा है उसका आइडिया भी नहीं लगेगा उनको. कई जगह पे नुकसान हो रहा, कई जगह पे हमारी शरीर भी भगवान ने ऐसी बनाई है, वी आर मल्टी मिलियनेयर्स इनसाइड द बॉडी. हमारे पास इतना कैल्शियम भरा हुआ है, इतना मिनरल भरा हुआ है बोन के अंदर कि हमें चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ती. सालों साल रखे ख्याल, कभी अकाउंट ही चेक करने की जरूरत नहीं, लेकिन अकाउंट चेक करना पड़ता है एक उम्र के बाद. जब बुढ़ापा आने लग जाता है तब अगर आप अपना अकाउंट यानी अपनी हड्डियों के अंदर अपना बैंक बैलेंस मिनरल्स का नहीं चेक करेंगे तो आपको नुकसान होगा. क्योंकि भाई साहब ओल्ड एज में सबको ये दिक्कत होनी है एज यू ग्रो, खासकर अगर आप फीमेल हैं, अगर आप 60 से ऊपर है, 60-65 के ऊपर है, तो बोन डेंसिटी करना जरूरी है, वरना गिरे और हड्डी टूटी तो लाइफ जो है बहुत ज़्यादा, क्वालिटी ऑफ लाइफ और कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा गिर जाएंगे. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दिस काइंड ऑफ अ सेफ टेस्ट, राइट, टू स्क्रीन बचने के. ये आपके बोन की हेल्थ बता देगा. टेस्ट आपको बेसलाइन मेजर भी बता सकते हैं कि भी चलो आज करा लो, आज कितने 50 साल के हो बोन डेंसिटी करा लो, पता तो चले 60 साल में क्या होता, कितना कम होता. बेसलाइन भी पता चल सकते हैं कि हाँ चलो एक साल बाद, दो साल बाद, 10 साल बाद क्या होगा, राइट. तो जितने लोग हैं जो करा सकते हैं बोन डेंसिटी करनी चाहिए एक उम्र के बाद. आजकल कैंप्स में भी पेरिफेरल बोन डेंसिटी आती है, अंगूठा डालो मशीन में बोन डेंसिटी बता देगा, एटलीस्ट एक आइडिया तो देगा, ठीक है. आदमियों के लिए फीमेल्स को कंपलसरी करना चाहिए 60-65 की एज के बाद, एंड स्पेशली फीमेल्स को. मेंस के लिए भाई साहब इट विल डिपेंड, मेंस में भी, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है कि फीमेल से कम आपको चांस है होने का बोस्टियोपोरोसिस, लेकिन होगा तो सबको एक पर्टिकुलर एज के बाद. सो
वन इन फोर मेन ओवर 50 विल ब्रेक अ बोन ड्यू टू ऑस्टियोपोरोसिस, ऐसा बोला जाता है। मतलब 50 साल की उम्र के बाद हो तो 25% चांस है कि आपकी हड्डी टूटेगी और हड्डी कमजोर हो जाने से हड्डी टूट जाएगी। तो फिर 50 के बाद चेक करा लेने में 25% चांस कम कर सकते हो ना, दैट इज गुड थिंग, बिल्कुल। सो बिल्कुल करना चाहिए, और फिर भी लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है करना है। 70 की एज के बाद मेंस में ये कंपलसरी बोल दिया, नहीं रिकमेंडेड बोल दिया जाता है। तो अगर आप 50 से 70 के बीच में हैं या फीमेल हैं, उनको बोन डेंसिटी चेकिंग जरूर करानी है। अगर फैमिली हिस्ट्री है आपको ऑस्टियोपोरोसिस की या हड्डी फ्रैक्चर होने की, तो भैया जरूर कराना है, राइट। याद रखिए, अब और भी बहुत सारी चीज़ें याद मायने रखती है। अगर आप किसी भी प्रकार का कोई स्टीरॉयड ले रहे हो, कोई अस्थमा के लिए ले रहे हो, कोई हड्डी की दिक्कत के लिए, आर्थराइटिस के लिए प्रेडनिसोलोन या कोई भी ऐसा इम्यूनो सप्रेसेंट मेडिकेशन ले रहे हो, या फिर कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, ट्रांसप्लांट के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ है उसकी मेडिकेशन ले रहे हो, तो ये आपके ऑस्टियोपोरोसिस कर सकता है, बोन्स को बैठा सकता है। नाउ दैट इज इंपॉर्टेंट, सो ये जरूर याद रखिए। यहां तक इसकी इंपॉर्टेंस बताने के लिए समझाने की कोशिश ये है कि 50 साल के उम्र के ऊपर, राइट, ऐसे लोगों को बोन्स हड्डियां टूट जाती हैं जिनकी लिटरली हाइट 1.5 इंच कम हो जाती है, 1.5 इंच घस जाती है बोन, लिटरली घस जाती हैं बोन्स, हाइट 1.5 इंच कम हो जाती है, स्लॉच हो जाती है बॉडी, उनके ज़्यादा चांसेस हैं हड्डी टूटने के। और बोन डेंसिटी चेकअप से आपको जो मिलेगा वो है एक टी स्कोर, एक टी स्कोर जो नॉर्मल होता है -1 और या उससे ऊपर, -1 और उसके ऊपर नॉर्मल है, -1 के नीचे -2.5 या उससे नीचे ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, -1 से नीचे ऑस्टियोपीनिया, उसके नीचे 2.5 से माइनस में, नेगेटिव में ऑस्टियोपोरोसिस, जितना नेगेटिव उतना हड्डी कमजोर। ऑस्टियोपीनिया का मतलब है थोड़ी कमजोर, अभी भी वक्त है। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब भैया तुम तो कभी भी जा सकते हो, यानी टूट सकती है हड्डी, ठीक है। द लैंग्वेज इज सिंपल बट यू नीड टू अंडरस्टैंड, राइट। So there are things which you can do to keep your bones healthy. Number one is exercise. जी हाँ, number one is exercise. So आपको weight bearing exercises plus walking, jogging, running, climbing, whatever your body allows you to do करना चाहिए। एक पार्ट है एक्सरसाइज, दूसरा पार्ट है डाइट। डाइट में द नंबर वन थिंग फॉर बोन हेल्थ इज द No, it's not one thing. It's not calcium. It's vitamin D. जी हाँ, आज की डेट में it's vitamin D. Calcium के बहुत sources है, vitamin D का एक ही source है धूप, और धूप में आजकल कोई ज्यादा नहीं है, तो धूप बहुत तेज नहीं है तो कुछ नहीं। So vitamin D important है। Second is calcium. And if you are smoking, तो फिर smoke रोक दीजिए, because जो smoke करते हैं उनको osteoporosis जल्दी होता है, जो दारू पीते हैं उनका calcium absorb कम होता है, तो drinking कम करो, smoking बंद करो। So this is important knowledge about osteoporosis, about bone health, about bone density. तो क्या आज आपको bone density कराना चाहिए? No, maybe. Depending upon your age, sex and health. अगर आपको bone pain हो रहा है किसी कारणवश, अगर आज तक कभी आपने steroid लिया है या किसी डॉक्टर ने आपको steroid दिया हो, या doubtful है कि पता नहीं ये क्या दवा थी, हो रहा है आजकल दवाई दे देते हैं, पता नहीं है जड़ी बूटी है, हमने बनाई है, I have no idea. So कई बार उसमें steroid होता है. So this is about bone density, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, right? If you have any questions, please do ask. And if you want me to talk about bone pain, then let me know. I'll talk about bone pain. And this is Dr. Paramjeet signing off. Thank you so much. कोई सवाल है तो जरूर लिखिए.